संस्कार पब्लिक स्कूल बाद में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा चलाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत भ्रष्टाचार मिटाओ विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पीएनबी अधिकारियों की उपस्थिति में प्रतिभागी बच्चों ने भ्रष्टाचार के स्रोतों और भ्रष्टाचार रोकने पर विचार व्यक्त किए। भ्रष्टाचार मिटाओ भाषण प्रतियोगिता में लोकतंत्र के चारों स्तंभों के भ्रष्टाचार को व्यक्त कर भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की अपील की। पीएनबी अधिकारी ने पुष्टि की चौतरफा भ्रष्टाचार व्याप्त है। देखिए, बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं इस समय, और ये बात बहुत आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत आवश्यक है कि भ्रष्टाचार को देश से बिल्कुल खत्म होना चाहिए, क्योंकि जितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है इसमें हमारे बच्चों का विशेष, एक्चुअली यही भारत के भविष्य है, इन्होंने ही देश को चलाना है आगे चल के। अगर इनके दिमाग में ये बात कूट कूट के भर गई कि हमें भ्रष्टाचार ना तो करना है और ना होने देना है, तभी हम एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण कर पाएंगे। हमारा भी इसी दिशा में केंद्रीय सतर्कता आयोग के भी इस सप्ताह को पूरे भ्रष्टाचार निवारण सप्ताह मना रहा है, और हमारी ये कोशिश है कि बच्चों को जगह जगह लोगों को जागरूक करें कि किसी भी को भी कोई भी पैसा ना दें और अपने काम को ईमानदारी से करने की हम लोग शपथ खाएं। इस सप्ताह हम सब ये प्रण करें कि हम आगे अपने जीवन में ना तो किसी को रिश्वत देंगे और ना उसमें भागीदार बनेंगे, तभी हम एक अपने देश का एक अच्छा निर्माण कर सकते हैं। पीएनबी अधिकारियों में देखिए, हर डिपार्टमेंट में अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कई बार डिपार्टमेंट में किसी में हो सकता है कोई चंद लोग बेईमान किस्म के हों, तो हमारा यही प्रयास है कि वो चंद लोगों को सुधारें हम, ताकि वो भ्रष्टाचार ना करें और हम एक जो देश कल्पना कर रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए, उसका निर्माण हम कर सकें। हम जल सुधरेगा जैसे बच्चे ने कहा, जब तक बच्चे बहुत अच्छी अच्छी देखिए, बच्चों ने हर डिपार्टमेंट की कमियों को उजागर किया कि आज देश में हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचारी लोग हैं। ऐसा नहीं कि अच्छे लोगों की कमी है, हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और जो नहीं चाहते भ्रष्टाचार, ईमानदार लोग ज्यादा हैं, लेकिन चूंकि चंद लोग हैं जो बेईमानी करते हैं, उनकी वजह से सारा सिस्टम बदनाम हो जाता है। किस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मानते हैं आप? ज्यादातर सारे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है थोड़ा बहुत, ये है कि अपेक्षाकृत, जहाँ जिसको मेरा मानना है कि जो भ्रष्टाचार, तभी भ्रष्टाचार मुक्त होगा अगर आदमी उस ओहदे पर रहते हुए और भ्रष्टाचार ना करने की कसम खाए। संस्कार पब्लिक स्कूल के बच्चों ने पुलिस, नेता और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीडिया की कार्यशैली पर सवाल उठाए। स्कूल के चेयरमैन प्रदीप चार का कहना है कि व्यक्ति पहले अपना भ्रष्टाचार और कमियों को दूर कर ले, भ्रष्टाचार स्वतः खत्म हो सकता है। ये भ्रष्टाचार मिटाओ और नया भारत बनाओ की मुहिम पर पंजाब नेशनल बैंक एक आयोजन कर रही है। ये इन्होंने बताया था कि हम लोग साप्ताहिक कार्यक्रम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मिटाओ की मुहिम हमने तेज की है और कोशिश कर रहे हैं जगह जगह जाकर भ्रष्टाचार मिटाओ, भ्रष्टाचार नया भारत बनाओ की मुहिम पर काम करें और ऐसे जन चेतना फैलाएं, लोगों को जागरूक करें, ऐसी इनकी मुहिम चल रही है। खासकर इन्होंने हमारे स्कूल को चुना और ये स्कूल के लिए सौभाग्य की बात है, एक अवसर है और हमारे बच्चे इस पर अपनी चर्चा कर रहे हैं। बच्चों ने कोशिश की है कि नए नए मुद्दों को उठाकर कहाँ कहाँ किस किस विषय पर आम जनता को परेशानी होती है, उस परेशानी के ऊपर उन्होंने इस विषय पर चर्चाएं की हैं और पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य अतिथियों के जो प्रबंधकगण यहाँ आए हुए हैं, जो वरिष्ठ अतिथि आए हुए हैं, उनके सामने अपनी अपनी बात को, विचार को उन्होंने प्रस्तुत किया है बच्चों ने, और जिससे वो इस चीज़ को समझ सकें और जगव्यापक उसे फैला सकें। भ्रष्टाचार की एक कड़ी पर मैं यहीं पहुंचता हूं कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सबसे पहले हमको खुद को चेंज होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि सारे देश को भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है और ना कभी हो सकता है ना कभी हुआ है। ये कहना मुश्किल बात होगी कि नहीं हो सकता, कुछ भी संभव है, लेकिन मेरा ये कहना जरूर है कि अगर हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा। हर प्रत्येक जन को एक चेतना अपने अंदर लानी चाहिए, कॉन्सेंस को ये सोचना चाहिए कि ये मैं गलत काम कर रहा हूँ। जैसे हमारी एक अंतरात्मा एक आवाज़ देती है कि ये गलत है ये सही है, जब हम गलत का फैसला अपने अंदर कर लेंगे कि नहीं ये काम नहीं करना है, तो डेफिनेटली ये सारी बुरी चीज़ें खत्म हो जाएंगे। भ्रष्टाचार भी एक बुरी चीज़ है या बुरी आदत कहूँगा मैं इसे, ये आदत खत्म हो जाएगी, डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। देश का प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचार से परेशान है और भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य विषय है कि कोई भी अपने दोष और भ्रष्टाचार खत्म करने की पहल नहीं कर पाता और भ्रष्टाचार रूपी दानव हावी है। 7A न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ कीतम सिंह की रिपोर्ट।